हेलो एवरीवन, राम राम जी। आज मैं अपना लेप्रोस्कोपी का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ कि मैंने लेप्रोस्कोपी क्यों करवाई थी, क्यों मुझे मेरी गाइड ने ये लेप्रोस्कोपी सजेस्ट की थी, मेरा खर्चा कितना हुआ था, पेनफुल था नहीं था, कितने टांके आते हैं और कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, ये सब बातें आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बताती हूँ कि लेप्रोस्कोपी किन कारणों से की जाती है। देखिए, सबसे पहले कि जब कोई रीज़न पता ही नहीं लगता है, हर तरीके का नॉर्मल इलाज करके देख लिया जाता है, जब ओवल्यूशन भी प्रॉपर आ रहा हो, एग भी प्रॉपर बन रहे हो, ट्यूब्स भी ओपन हो और हस्बैंड की भी रिपोर्ट नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सूरत में जो हमारी गायनी होती है, गायनीलॉजिस्ट, वो रिकमेंड करती है कि एक बार लेप्रोस्कोपी करवा के देख लेते हैं। हम अंदर दूरबीन डाल के, कैमरा डाल के चेक करेंगे यूट्रस के अंदर अच्छे से, बारीकी से, कि सब चीज़ जैसी दिख रही है वैसी है, और अगर कुछ अंदर यूट्रस में कोई कमी भी है या कोई गांठ है, कोई सिस्ट है या ट्यूब्स बंद है, तो वो उसी टाइम सर्जरी के द्वारा ठीक कर दी जाती है। तो जब मेरी गायनोलॉजिस्ट ने मुझे ये सजेस्ट किया तो हमने कहा ठीक है, करवा लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे बुलाया गया, भूखे पेट मुझे एडमिट होना था। जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो कुछ मेरे पहले टेस्ट किए गए, जैसे ब्लड टेस्ट, खून की कमी तो नहीं है, और हार्ट बीट का चेक हुआ, एक एक्सरे भी हुआ था मेरा, मेरे चेस्ट का एक्सरे हुआ था। कुछ मेरे नॉर्मल से टेस्ट करके जब रिपोर्ट मेरी सारी नॉर्मल आ गई तब उन्होंने मुझे एडमिट किया था। फिर उसके बाद वो मुझे ओटी में ले गए, सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे पूरी करी, और मुझे बेहोश करने के लिए उन्होंने यहाँ पे मेरी थोड़ा सा पीठ के नीचे और कमर के ऊपर, मतलब यहाँ बीच वाले पार्ट में मुझे एनेस्थीसिया, मेरे नीचे वाले पार्ट को सुन्न करने के लिए मुझे एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। फिर बस हो गया प्रोसीजर, ऑपरेशन हो गया। जब मुझे होश आया ऑपरेशन के बाद तो मेरी गायनोलॉजिस्ट ने मुझे बताया, मेरे हस्बैंड को बताया, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी लेफ़्ट ट्यूब में जो है वो थोड़ी सी रुकावट पाई गई थी, थोड़ी सी ब्लॉकेज थी, जिसे उन्होंने ऑपरेशन से दूर कर दिया है। अब मेरे जो टाँके थे, मेरे दो टाँके आए थे, एक तो नाभि पे तो टाँका आता ही है क्योंकि वहाँ से दूरबीन डाली जाती है अंदर, और फिर जब उन्हें कहीं भी कोई कमी दिखती है तो उस हिसाब से मरीज के टांके आते हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट उन्हें ठीक करना है। तो मेरी लेफ़्ट ट्यूब में ब्लॉकेज थी तो उन्होंने मेरी लेफ़्ट साइड में कट लगाया, वहाँ पे मेरे दो टांके आए थे तो उन्होंने मेरी लेफ़्ट ट्यूब ओपन करी थी। देखिए, पेन का तो ऐसा होता है कि जब कोई भी छोटा सा भी कट लगता है तो उसमें दर्द तो होता ही है, जब तक एनेस्थीसिया का असर होता है जब तक तो कुछ पता नहीं लगता, लेकिन जब धीरे 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 होश आता है हमें तो डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, क्योंकि अंदर से हमारा सिस्टम हिला हुआ होता है और छोटा सा एक ऑपरेशन किया गया होता है तो दर्द तो होता है, इतना नहीं होता कि भाई रो दो या सहन नहीं कर पा रहे हो, पर हाँ दर्द तो होता ही है, फिर डिस्कम्फर्ट सा रहता है। उसके बाद आपको करवट भी नहीं लेनी होती है 24 घंटे के लिए, सीधा आपको सीधा लेटे रहना पड़ता है, यूरिन की जगह पे यूरिन पाइप लगा दी जाती है जिससे आपको उठना ना पड़े, इधर उधर करवट ना लेनी पड़े, इस वजह से यूरिन पाइप लगा दी जाती है। साथ में ग्लूकोज भी चढ़ता रहता है जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि खून की कमी आई है तो खून की भी एक आध बॉटल डॉक्टर चढ़ा सकते हैं, वो मरीज पर डिपेंड करता है, और 24 घंटे तक नेक्स्ट मॉर्निंग तक पीने के लिए पानी तक नहीं देते। मेरे होंठ जो है वो बहुत सूख रहे थे, बहुत ज़्यादा, मुझे गला इतना सूख रहा था, बहुत प्यास लग रही थी मुझे, मैं बार बार नर्स को बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, लेकिन वो बस अपना थोड़ा सा कॉटन को भिगो के लाती, वो मेरे होठों को हल्का सा भिगो के चली जाती ताकि मुझे प्यास जो है मेरी वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए। उन्होंने बोला था कि अभी आपको पानी नहीं दिया जाएगा, अगली मॉर्निंग तक कोई पानी आपको, लिक्विड चीज़ आपको, खाना पीना कुछ नहीं दिया जाना है। बस फिर जैसे तैसे थोड़ी सी पेन में, फिर हाँ रात को जाके मुझे पेन महसूस होने लग गया तो मैं नर्स को बोलने लगी कि मुझे ना बस आप या तो पेन किलर दो या मुझे नींद की दवाई दे के सुला दो। तो नर्स आई,
उन्होंने मुझे पेन किलर्स दिए कुछ, और मुझे बहुत मेरी रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने थोड़ा सा मुझे नींद की दवाई देके, जो मेरी पाइप हाथ में कैनूला लगा हुआ था उसी के जरिए उन्होंने मुझे पेन किलर डाला, और उसी में उन्होंने मुझे लिक्विड नींद की दवाई देके मैं फाइनली 2 या 3 बजे सो गई थी। उससे पहले मैं बहुत कई 2-3 घंटे तक बिना नींद के बहुत बेचैन हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। अगली मॉर्निंग में मुझे जब नींद खुली तो मेरी गायनी जो थी, गायनी डॉक्टर, वो आई हुई थी। उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा सब ठीक है, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है? अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो आप आज और यहीं रह लो, नहीं ठीक लग रहा है तो आप घर जा सकते हो। तो मैंने कहा नहीं मैम मैं ठीक हूँ, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। तो बस फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाओ घर, डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देते हैं। और फिर उन्होंने मुझे, हाँ मेरी चाय का था कि एक नर्स से कि इसे चाय दो पेशेंट को और एक बिस्किट भी देना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जाके मुझे थोड़ी सी चाय, इतनी थोड़ी सी चाय दी गई और एक बिस्किट दिया गया। फिर बस सारी फॉर्मेलिटीज करके मेरा यूरिन पाइप निकाल दिया। फिर मुझे एक बार टॉयलेट भेजा गया कि आप देख लो टॉयलेट आपको सही से आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर मैं बाथरूम गई, वहाँ पे मैं टॉयलेट करके मुझे सब, उन्होंने सारी चीज़ें रीचेक करी, फिर मुझे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। अब जो टांके थे वो 1 हफ्ते तक मुझे बेड रेस्ट बताया गया, और 1 हफ्ते के बाद मेरे घुलने वाले टांके नहीं थे, मेरे जो थे वो सिलाई वाले टांके थे। तो 1 हफ्ते के लिए मैंने बेड रेस्ट किया। देखिए डॉक्टर्स तो कहती ही हैं कि बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, काम करो ये करो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि शरीर अपना होता है ना। आज हम भाग भाग के काम कर लेंगे लेकिन ये प्रॉब्लम हमें कल दिखेगी। तो 1 हफ्ता प्रॉपर बेड रेस्ट करिए। टांके होते हैं उनमें पानी पड़ जाए, गीला हाथ लग जाए, या ऊपर नीचे कुछ भी होता है पकने का डर रहता है, वो प्रॉब्लम भी फिर हमें ही फेस करनी पड़ती है ना। तो कोई जल्दबाजी नहीं है काम करने की। 1 हफ्ते के लिए अगर टांके लगाए गए तो 1 हफ्ते तक प्रॉपर बेड रेस्ट करना ज़रूरी है, वरना जो इंजेक्शन पीठ में दिया जाता है वो इंजेक्शन भी बाद में जाके बहुत पेन करता है, बहुत दर्द करता है वो। उस टाइम पे पेन किलर चल रही होती है पता नहीं लगता है, लेकिन बाद में हमें ये सब चीज़ें बहुत महसूस होती हैं। तो उस टाइम पे प्रॉपर लेट के रेस्ट करें, बैठने की भी ज़्यादा कोशिश ना करें। बस फिर 1 हफ्ते बाद मैं अपने टाँके कटवा के आ गई। तो ये थी मेरी लैप्रोस्कोपी का एक्सपीरियंस और मेरी पर्सनल स्टोरी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।